हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के एस्टीमेशन के लिए कलर स्केल को कैसे यूज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन के एस्टीमेशन के लिए यूज़ होने वाले कलर पैक पे तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है वो हो कलर स्केल का, जिसमें हमको कलर मैच करना होगा। दूसरा जो पैकेट है वो है लैंसेट का, और तीसरा जो पैकेट होगा वो है स्ट्रिप का, जिसमें हमें ब्लड ड्रॉप लगाकर ब्लड के कलर को स्पेसिमेन के कलर से मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर स्केल की। कलर स्केल के लेफ्ट साइड में यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज लिखे हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं एक रेड कलर के कलर स्केल हैं, जिसका कलर नीचे से ऊपर की ओर जाने पर डार्क की ओर बढ़ता जा रहा है, और हर एक कलर के बीच में एक छोटा सा होल दिया हुआ है। हमें अपने सैंपल के ब्लड को आपके ब्लड सैंपल स्टिक पे पेस्ट करने के बाद ब्लड के कलर को इस कलर से मैच करना है। जिस भी कलर के स्केल पे हमारा ब्लड का कलर और ये स्केल कलर मैच होता है, उसके सामने वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6, 8, 12 एंड 14। इस कलर को हमें मैच करना है। जिस कलर पे हमारा ब्लड का कलर मैच करेगा वो हमारा हीमोग्लोबिन होगा। इसके बाद हम एथेनॉल या स्पिरिट से अपने फिंगर को डिसइनफेक्ट करेंगे। डिसइनफेक्ट करने के बाद प्रिकर पेन की सहायता से हम अपने फिंगर को प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद एक ब्लड ड्रॉप को दिए गए स्ट्रिप पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा ब्लड सैंपल ज़्यादा लेने से स्ट्रिप अच्छा दिखेगा। इसके बाद हम इस ब्लड के सैंपल वाले स्ट्रिप को 30 सेकेंड के लिए एज सच रहने देते हैं। 30 सेकेंड एक्टिवेशन टाइम है। इसे रखने के बाद हमें हीमोग्लोबिन का एग्जैक्ट अमाउंट दिख सकेगा। 30 सेकेंड के बाद हम अपने दिए गए स्ट्रिप को सबसे नीचे वाले स्केल के पॉइंट पर रखते हैं, और धीरे धीरे इसे नीचे से ऊपर यानी लाइट कलर से डार्क कलर की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं। जिस भी पॉइंट पे यानी 4, 6, 8, 10, 12 और 14, जिस किसी भी पॉइंट पे आपको आपके ब्लड का कलर आपके दिए गए स्ट्रिप के कलर से मैच होता हुआ लगे, ये पॉइंट आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के अमाउंट को शो करेगा। अगर लगता है कि कोई भी कलर इंटरमीडिएट है यानी 10 और 12 के बीच का कलर मैच होगा, तो दिए गए पॉइंट पे हम इसे 11 कंसीडर करेंगे। अभी के सैंपल में आप देख सकते हैं हमने ब्लड को नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक पहुँचाया है, और ये 14 पॉइंट पे हमें हमारे ब्लड का कलर अधिकतम मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हमारे ब्लड का सैंपल इस स्पेसिमेन सैंपल में हीमोग्लोबिन का अमाउंट 14 ग्राम पर dL है। ये आप इस दिए गए स्केल से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें एनेमिक कंडीशन के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। 4 to 14 लेवल में हीमोग्लोबिन का कंडीशन क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस सैंपल वॉज गिवन बाय अलाइड हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। वी आर थैंकफुल फॉर हिम।